मोहतरम नाजरीन, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 9 नवंबर को हर साल पूरी दुनिया में इकबाल के यौम पैदाइश पर यौम उर्दू मनाया जाता है। इस साल औरंगाबाद महाराष्ट्र में यौम उर्दू के मौके पर, इकबाल की यौम पैदाइश के मौके पर 1 नवंबर ता 9 नवंबर पूरे 9 दिन जश्न इकबाल मनाया जाएगा। ये जश्न लीड एंड रीड फाउंडेशन, रीड एंड लीड फाउंडेशन और फेम की जानिब से मनाया जा रहा है और इसमें शामिल हैं, इस जश्न के में जो दिगर ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं उनमें वारिसान हर्फो कलम, महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी, मराठवाड़ा मुस्लिम ग्रेजुएट फोरम और आफ्ताब फिल्म्स पेश हैं। इन 9 दिनों में इकबाल और ख्वातीन, इकबाल और नौजवान, इकबाल और बच्चे, इकबाल का तसव्वुर वतनियत, इकबाल और कौमी यकजहती, इकबाल और शाहीन, इकबाल और आफाकियत और इकबाल और तारीख इस्लाम जैसे मौजूआत पर तकारीर, मजामीन और जश्न इकबाल के नाम से बनाए गए पेज पर ये सारे प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। इसी पेज पर इकबाल के बारे में मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यूज़, ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी पब्लिश किए जाएंगे। इस दौरान ऑनलाइन सेमिनार, वेबिनार, जूम मीटिंग्स वगैरह भी होंगी। शहर के बच्चे इकबाल के बारे में पोस्ट कार्ड लिखेंगे जिसमें वो इकबाल के बारे में उनका तसव्वुर क्या है, इकबाल को वो किस हैसियत से जानते हैं, इकबाल के कलाम को उन्होंने कहाँ किस तरह से पढ़ा है, इकबाल की कौन सी नज़्म उन्हें पसंद है, इकबाल का उन्हें कौन सा शेर याद है, ये सारी बातें लिखेंगे। या उनको इकबाल की कौन सी नज़्म ने ज़्यादा मुतासिर किया है, या बाज़ बच्चे जो है इकबाल की मशहूर नज़्म लब पे आती है दुआ बंद के तमन्ना मेरी, वो भी गाकर पेश कर सकते हैं या सुना सकते हैं तहत में भी। मुख्तलिफ घरों पर पहुँच कर इकबाल का कलाम या अशार सुने जाएंगे और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आज का मुआशरा, आज के अफराद इकबाल से कितने वाबस्ता हैं, इकबाल को किस हद तक जानते हैं या इकबाल को किस हद तक पहचानते हैं या इकबाल उनके अंदर कितना जागुजी हैं, ये जानने की कोशिश की जाएगी। इस प्रोग्राम में या जश्न में हर वो शख्स शामिल हो सकता है जो इकबाल या उर्दू से मोहब्बत करता है। इकबाल की नज़मों पर बच्चे ड्रामा भी पेश कर सकते हैं और कोई मुसव्विर या खुशनवीस इकबाल के अशार को अपने फ़न का ज़रिया भी बना सकता है या अपनी फनकारी भी उन अशार की रोशनी में वो पेश कर सकता है। इसी तरह से कोई खुश गिलो अपनी आवाज़ में इकबाल के कलाम को पेश कर सकता है या कोई तहत में भी इकबाल के तहत में भी इकबाल के कलाम को पेश कर सकता है। इसी के साथ इकबाल से मुतालिक आप जो कुछ भी पेश करेंगे वो इस पेज पर जगह पाएगा और ये सिलसिला 1 नवंबर ता 9 नवंबर पूरे 9 दिन चलेगा और वो पेज सारी दुनिया के लिए, ये सिर्फ औरंगाबाद शहर नहीं बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ जहाँ उर्दू के जानने वाले मौजूद हैं और जहाँ लोग इकबाल को जानते और पसंद करते हैं, उन तमाम के लिए ये पेज जिसका नाम है जश्न इकबाल सबके लिए ओपन है, सबकी खिदमत में पेश है। उम्मीद है आप अपनी तख्लीकात, अपने मजामिन, अपने ख्यालात इस पेज पर इरसाल फरमाएंगे और आपका तहे दिल से इस पेज पर इस्तकबाल किया जाएगा। बहुत बहुत नवाजिश, शुक्रिया और इंतज़ार रहेगा आपकी तख्लीकात का, आपके ख्यालात का।